नमस्कार, स्वागत है आप सभी दर्शकों का जन जागृत चैनल पर। आपका अपना न्यूज चैनल सच के साथ। जानपुर भदोही से जन जागृत न्यूज के वरिष्ठ पत्रकार एके फारूकी द्वारा कवरेज की गई रिपोर्ट। नगर के प्रमुख पौराणिक धार्मिक स्थल बाबा बड़े शिव धाम में सोमवार को उत्तर प्रदेश का 72वां स्थापना दिवस मनाया गया। जिला पंचायत सदस्य मुनेश्वर प्रसाद गुप्त ने केक काटकर खुशहाली की कामना की। सोमवार को दिन में बाबा बड़े शिव धाम पहुँचे गुप्त देवाधिदेव महादेव व संकटमोचक हनुमान जी का विधि विधान पूर्वक दर्शन पूजन किया। पुजारी मिठाई लालगिरी के साथ शंकराचार्य दुबे ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच धार्मिक अनुष्ठान कराते हुए दर्शन व आरती पूजन कराया। बाबा बड़े शिव पर जो है हम लोगों ने पूजा अर्चना की जो है बाबा शिव का, और आज उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस 72 साल आज हो गया जो है। इस आज के दिन ही हमें उत्तर प्रदेश का एक नया नाम मिला था जो है, तो मैं प्रभु भोलेनाथ से प्रार्थना किया कि प्रभु हमारे उत्तर प्रदेश को स्वस्थ रखें, अच्छे रखें, किसी चीज़ की आपदा से बचाए रखें हमेशा। और ये बहुत बड़ा कार्यक्रम न करते हुए हम लोग इस कोरोना काल में बहुत छोटे से ही कार्यक्रम में हम लोगों ने स्थापना दिवस को मनाया, उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस, और शंकराचार्य जी पूजा हवन भी कराएं, लोगों महात्मा लोग भी थे जो है, सबका आशीर्वाद लिए। सामने चुनाव है जो है, भारतीय जनता पार्टी के लिए भी मैंने प्रभु से प्रार्थना किया उत्तर प्रदेश में फिर एक बार योगी सरकार हो। जानपुर विधानसभा में दावेदारी भी थी। भदोही जिले में चल रही ठंडी हवाओं के बीच गणतंत्र दिवस परेड की फुल ड्रेस रिहर्सल के तहत ज्ञानपुर नगर स्थित पुलिस लाइन परेड ग्राउंड से निकाली गई, जिसे देखकर ऐसा लगा कि आंधी आए या तूफान वीर खड़े हैं सीना तान। ऐसे ही वीरों की बदौलत हिमालय का सिर कोई झुका नहीं सकता। देश की सरहदों की हिफाजत हमारे नौजवान कैसे करते होंगे, उसकी ये तो एक छोटी सी बांगी मात्र है, लेकिन अपने बच्चों को बारिश से भीगते हुए मार्च पास्ट करते देख गर्म कपड़ों और बंद एसी कमरों में बैठने वाले लोग भी हैरान थे। कोरोना प्रोटोकॉल के तहत जिले के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार की ओर से जारी गाइडलाइन के तहत 26 जनवरी को भारतीय गणतंत्र दिवस पूरे सादगी से मनाया जाएगा। ऐसे में ठंड के बीच हुई ये रिहर्सल पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार ने परेड के प्रतिभागियों व अन्य कार्यक्रमों का सूक्ष्म निरीक्षण कर कार्यक्रम को अत्यधिक सुव्यवस्थित एवं सुसज्जित बनाने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। भदोही कोतवाली क्षेत्र के दरोपुर मोहल्ले में सोमवार को मिट्टी लदे ट्रैक्टर ने एक 4 वर्षीय बालक को कुचल दिया, जिसमें बालक की मौत हो गई और परिवार में कोहराम मच गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत कराकर चालक को हिरासत में ले लिया है। बताते चलें कि दोपहर लगभग 2 बजे मोहल्ले में मस्जिद के पास जावेद उर्फ गुड्डू के खेल रहे 4 वर्षीय पुत्र फरहान अचानक मिट्टी लदे ट्रैक्टर के पहिए के बीच आ जाने से वह गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे परिजन इलाज के लिए निजी अस्पताल ले गए, जहां पर बालक ने दम तोड़ दिया, जिसकी सूचना मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। वहीं परिवार सहित मोहल्ले के लोग सड़क पर उतरकर विरोध करना शुरू कर दिए। हालांकि घटना के बाद ट्रैक्टर को रोक लिया गया था और चालक अवधेश पुत्र कैलाश निवासी मर्याद पट्टी मामदेवपुर को मोहल्ले वासियों ने एक कमरे में सुरक्षित बंद कर दिया, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंचे मेयर फोर्स के साथ प्रभारी निरीक्षक गगनराज सिंह ने भीड़ को तितर बितर किया, साथ ही परिवार के लोगों को समझा बुझाकर मामले को शांत कराया। सूचना मिलते ही उपजिलाधिकारी अश्वनी कुमार पांडे व क्षेत्राधिकारी अजय कुमार भी मौके पर पहुंच गए। उन्होंने पीड़ित परिवार को हर संभव मदद दिलाने का आश्वासन दिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, साथ ही ट्रैक्टर को जब्त कर लिया गया और चालक को गिरफ्तार कर IPC की धारा 279 व 304A के तहत मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया गया। पुलिस की माने तो ट्रैक्टर बगैर नंबर का था और इसका इस्तेमाल अवैध तरीके से किया जा रहा है। मृतक बालक 3 भाई व 1 बहन में सबसे छोटा था। घर की माली हालत ठीक नहीं है। पिता किसी तरह कपड़े की फेरी कर अपने परिवार का जीविकोपार्जन कर रहा है। उसके बारे में थोड़ा बताएं। काफी दुखद घटना। बहन ट्रैक्टर को और उसके चालक को जो हिरासत में लिया गया है,
नियम अनुसार पुलिसिया कार्रवाई हो रही है, कुछ तहरीर ले ली गई है, तो संगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करके नियम अनुसार कार्रवाई करी जाएगी। सर ये उस पर जो है मिट्टी लदी हुई थी और विदाउट परमिशन ये सब काम हो रहा है। अवैध मिट्टी खनन का हम लोगों के द्वारा नियमित तौर पर अभियान चलाया जाता है। जांच का विषय है कि किस कहां से मिट्टी आ रही थी, इस पर नियम अनुसार विभागीय कार्रवाई करी जाएगी। सर बच्चे का बाप जो है नहायत गरीब आदमी है और फेरी करके अपना जीविकापार्जन करता है, उसके लिए मदद की क्या राजस्व टीम के माध्यम से जो है जांच करा के जो भी संघर्ष शासनादेश नवीन के अंतर्गत जो भी यथासंभव सरकारी सहायता होगी गिराने का प्रयास किया जाएगा। ठीक, धन्यवाद। भदोही शहर के मोहल्ला कंचियाना स्थित उस्तादुल हफ्फाज हाफिज अब्दुल हमीद के दर से अनगिनत हाफिज कुरान निःशुल्क फारिग हुए, जो आज हिंदुस्तान के गोशे गोशे में दीन की खिदमत को अंजाम दे रहे हैं। उनके 20 साल के बाद यह सिलसिला उनके पोते हाफिज परवेज उर्फ अच्छे मियां ने हिज्बिल्लाह बच्चों को कुरान का दर्स दे रहे हैं, जहां हर साल बच्चे हिफ्ज मुकम्मल कर दीन का काम कर रहे हैं। हाफिज नायब पुत्र मो शमी मंसारी मर्याद पट्टी नई बस्ती निवासी ने भी इसी दर से हिफ्ज कुरान मुकम्मल की। इस मौके पर उस्ताद हाफिज परवेज उर्फ अच्छे मियां व हाफिज अशफाक रब्बानी व हाफिज अली रजा ने हाफिज मिराज के सर पे इमामा शरीफ बांधकर सनद दी। श्री अच्छे मियां ने कहा कि परवरदिगार तेरा शुक्रवार है कि तूने मेरे बेटे को हाफिज कुरान बनाया। बाप के आंखों में खुशी के आंसू छलक पड़े और बारगाह इलाही में अदा किया, वहीं मां की खुशी का ठिकाना न रहा। बेटे को आंचल में छिपा लेती है, कभी माथे को चूमती तो कभी चेहरे को चूमती, और परवरदिगार से यही कह रही थी कि अल्लाह तूने मुझे अजीम नेमत ने औलाद की शक्ल में अता की, तेरा शुक्र है। वहीं अजीब जो अकारिब दोस्त अहबाब आदि लोगों ने हाफिज मिराज को दुआओं से नवाजा और कहा अल्लाह ने आपके दिल को कुरान मुकद्दस के 30 पारों से मुनव्वर व मुजल्ला कर दिया है। इस मौके पर मौलाना हाफिज जरफात हुसैन हाफिज शहजाद हाफिज इरफान हाफिज दानिश हाफिज अब्दुल रहमान हाफिज अब्दुल्लाह हाफिज तौफीक हाफिज जारिफ हबीबी हाफिज जुबैद हाफिज मिराज हाफिज महफूज सालम आदि मौजूद रहे। हाफिज साहब आज इस दयार में कितने अब तक के जो है हफाज कराम यहाँ से निकले, थोड़ा सा गौर फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की रहमत से यह सिलसिला हमारे दादा के टाइम से स्टार्ट किया गया है, हाफिज अब्दुल हमीद साहब के टाइम से ही यह सिलसिला आज़ादी के पहले से मतलब सन 47 के पहले से स्टार्ट है, और हमारे दादा इसको फी सबीलिल्लाह पढ़ा रहे थे और उनके बाद अल्लाह पाक ने हमें नवाजा और हम इस सिलसिला को कायम किए हैं। अल्लाह ने चाहा तो इसको हम कायम रखेंगे और यहाँ से अनगिनत हफाज कराम निकलते रहते हैं हर साल, अल्लाह की रहमत से 2-3-1 निकलते ही रहते हैं। ये अल्लाह का बहुत बड़ा हम सब पर रहम व करम है कि अल्लाह पाक हमसे ये काम ले रहा है। हाफिज साहब भदोही डिस्ट्रिक्ट या अन्य जिलों से भी यहाँ बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए? जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक की रहमत से इस समय एक बच्चा पढ़ रहा है हाफिज़ जाहिद, जो कि इलाहाबाद से आए हुए हैं, और इसके पहले रामपुर से आए थे हाफिज़ आसिम। आज राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर जिला कार्यक्रम में हमने कन्या जन्म उत्सव कार्यक्रम रखा था। जो बच्चियां आज हुई हैं या कल पैदा हुई हैं हॉस्पिटल में, उनकी माताओं को और परिवारजनों को सम्मानित करना, बच्चों को कुछ गिफ्ट्स देना, एक छोटा फंक्शन रखा, जिसके माध्यम से हम ये संदेश देना चाहते हैं कि बेटियाँ भी उतनी मूल्यवान हैं जितने बेटे हैं, और हमारी सोसाइटी को अपनी मानसिकता चेंज करनी चाहिए। जो कन्या भ्रूण हत्या जैसे अपराध समाज में विकारित हो रहे हैं, उस पर कंट्रोल होना चाहिए, इस पर प्रभावी कार्रवाई जिला प्रशासन करेगा, ताकि हमारा जो लिंग अनुपात है वो बढ़े घटे नहीं। लड़कियों को जीने का अवसर मिलना चाहिए और उनको अच्छा स्वास्थ्य अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, जिससे वो आगे चलकर वो सब मुकाम हासिल कर सकें जो लड़के हासिल करें। आदर्श निर्वाचन आचार संहिता एवं कोविड प्रोटोकॉल अनुपालन में उत्तर प्रदेश दिवस का आयोजन जिलाधिकारी आरिका अखोरे की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। इस विशेष अवसर पर जनपद में अपने उत्कृष्ट कार्यों एवं उपलब्धियों की अमिट छाप छोड़ने वाले पौच पौच कलाकारों, किसानों,
शिल्पकारों, मजदूरों, महिलाओं को सम्मानित किया गया। जिलाधिकारी ने स्कूली बच्चों को प्रोत्साहित किया तथा आज राष्ट्रीय बालिका दिवस पर छात्राओं को चॉकलेट गिफ्ट पैक भेंट किया। अंत में मुख्य विकास अधिकारी भानु प्रताप सिंह ने उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस बल देते हुए सभी का आभार एवं धन्यवाद ज्ञापित किया। शाम को उत्तर प्रदेश दिवस लखनऊ में माननीय राज्यपाल श्री आनंदीबेन पटेल तथा मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा एवं गणमान्य महानुभाव के उद्बोधन एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों के सजीव प्रसारण द्वारा उत्तर प्रदेश की वैभवशाली संस्कृति से लोगों को परिचित कराया गया। कार्यक्रम में संचालनकर्ता राकेश कुमार सिंह, उपायुक्त स्वतः रोजगार, उपायुक्त उद्योग हरेंद्र प्रताप, उप कृषि निदेशक अरविंद कुमार सिंह, जिला विद्यालय निरीक्षक नंदलाल, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी भूपेंद्र नारायण सिंह, जिला पंचायत राज अधिकारी बालेश्वर धर द्विवेदी, जिला सूचना अधिकारी डॉक्टर पंकज कुमार एवं संबंधित अधिकारीगण उपस्थित रहे। आज उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जा रहा है और इस उपलक्ष्य पे हम लोगों ने एक छोटा सा आयोजन किया था, क्योंकि कोविड है तो बहुत बड़ा आयोजन नहीं कर सकते, छोटे से आयोजन किया था। उसमें बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, रंगारंग कार्यक्रम और व्याख्यान प्रस्तुत किए, टीचर्स ने हमारे प्रदेश के और जिले के गौरवशाली इतिहास के बारे में बताया और हमने कुछ लाभार्थियों को और जो स्वयं सहायता समूह की महिलाओं जिन्होंने अच्छा काम किया उनको प्रशस्ति पत्र दिया, विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के लाभार्थियों को सिलाई मशीन इत्यादि दी और हम सब लोगों ने एक शपथ ली कि हम निरंतर प्रयासरत रहेंगे कि प्रदेश को उच्चतम ऊंचाइयों पर पहुँचाएं। भदोही जिले के प्रमुख समाज सेवी, पूर्व प्रधान व जिला पंचायत सदस्य रहे धनीराम गुप्ता ने जन जागृत टीम से हुई आकस्मिक भेंट वार्ता के दौरान कहा कि धनीराम गुप्ता पूर्व प्रधान पकरी कला सन 1990 से सक्रिय राजनीतिक भागीदारी जनता के बीच में 1995 क्षेत्र पंचायत सदस्य रहा हूं, सन 2000 में प्रधान रहा हूं, फिर 2005 में जिला पंचायत सेकेंड फाइटर रहा हूं, फिर 2010 में सेकेंड फाइटर जिला पंचायत पद पर हार के जनता का सेवा भी कर रहा हूं, फिर 2015 में भी जिला पंचायत चुनाव में 2 नंबर वार्ड नंबर 9 अपने श्रीमती सुशीला देवी गुप्ता धर्मपत्नी जी को लड़ाया। हाँ सर, जनता का आशीर्वाद मुझे मिला, हम भाजपा के दावेदारी टिकट के पाने के लिए जनता से गुहार करते हुए जनता की आवाज़ है कि भाजपा से अगर हमें टिकट मिला तो मैं विधानसभा 393 ज्ञानपुर विधानसभा से चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। हम जनता के साथों दुख दर्द विकास कार्यों में हमेशा अग्रणी रहकर दुख सुख के भागीदार रहेंगे, जनता के बीच में हम जनता की आवाज। जिले में कोरोना संक्रमण के मरीज जब हर दिन बढ़ रहे हैं, सोमवार का नए मरीज मिलने के साथ अब जिले में एक्टिव मरीजों की संख्या 51 हो गई है। ऐसे में कोरोना संक्रमण को लेकर लोगों में चिंता बढ़ रही है। संक्रमण के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का खतरा लोगों को सता रहा है। ऐसे में ये स्पष्ट करना जरूरी है कि जिले में अभी ओमिक्रॉन का कोई खतरा नहीं है। स्वास्थ्य विभाग ने जिला मुख्यालय सहित जिले के अन्य अस्पतालों में संक्रमित मरीजों के इलाज के पूरे इंतजाम कर लिए हैं। जिले में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, अस्पतालों में पलंग ICU वार्ड तैयार हैं। CMHO डॉक्टर संतोष कुमार चक का कहना है कि घबराए नहीं बल्कि यह साथ लापरवाही भी हम लोग देख रहे हैं कि अभी भी लोग लापरवाही अभी भी बहुत ज़्यादा हो रही है, मास्क वगैरह का प्रयोग वगैरह नहीं कर रहे हैं, सर क्या कहेंगे इसको? मेरा DM साहब का, CDO साहब का, कप्तान साहब का, जिले के सभी आम जन से यही अनुरोध है कि 2 गज की दूरी मास्क है ज़रूरी, इसका पालन करें और चैनल पर दिखाए जाने वाले सभी न्यूज से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।